जय हिंद। आज का हमारा क्लास है हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं संधि, और संधि के अंदर भी पढ़ रहे हैं हम विसर्ग संधि। ये हमारा विसर्ग संधि का लास्ट वीडियो है। इसके बाद आप लगभग संधि के सारे क्लास खत्म हो जाएंगे। इसमें इसके बाद एक दो क्लास और आएगा, जिसमें कुछ प्रैक्टिस सेट रहेंगे और कुछ ट्रिकें रहेंगी संधि को पहचानने के लिए। तो चलिए जल्द से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब मत कीजिए, पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। यदि आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो अपना अमूल्य समय और कहीं वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आज का क्लास क्या है। आज का क्लास है नियम, पहले पढ़ लेते हैं। नियम नंबर 3 बोलता है श हो जाना, मतलब विसर्ग का श हो जाना। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, है ना, विसर्ग के पहले यदि कोई भी स्वर हो, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, रू, रू, जो भी, और बाद में च, छ, स आए, च, छ, स आए, तो विसर्ग का श हो जाता है। ठीक है, ये आपका श का नियम है। श का भी 3-4 नियम पढ़ाऊंगा इसमें मैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। यदि विसर्ग के पहले, ये विसर्ग है, यदि इसके पहले कोई भी स्वर हो, देखिए कोई स्वर हो, बाद में च, छ, श आए, तो च, छ, श आए, तो विसर्ग का स हो जाता है। अब बाकी लोग पूछेंगे, भैया तो स्वर का क्या होगा? तो स्वर का कुछ नहीं होगा, स्वर का ज्यों का त्यों रहेगा, और च, छ, छ भी ज्यों का त्यों रहेगा, केवल विसर्ग चेंज होगा, उसके बाद हम मिला के लिख देंगे। चलिए इस पर एक उदाहरण लेंगे तो समझ आ जाएगा। चलिए इसके एक उदाहरण लेते हैं फटाफट। च का स हो जाना, तो इसमें देखते हैं निश्चल, या फिर दुश्चरित्र है, दुशासन है, वो महाभारत वाला, फिर निश्चल। अब निश्चल पहले देखते हैं, नी प्लस छल। ठीक है, अब नियम में जाइए। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, कोई स्वर है, स्वर कैसे जानेंगे? ये नी है। अब नी को अलग कर दीजिए, न प्लस ई हो जाएगा, आपको स्वर मिल गया ई। ठीक है, उसके बाद च, छ हो, तो छ तो है, सभी एक साथ को जरूरी थोड़ी ना है, किसी किसी शब्द में एक आएगा, तो ठीक है छ आ गया। अब क्या होगा, तो इस स्वर का तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे स्टेप यहाँ देखिए, स्वर का कोई चेंज होता है? नहीं होता है। ठीक है, स्टेप लिख लीजिए। अब इस विसर्ग का श हो जाता है, तो सीखिए श लिख लीजिए, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, आधा श है ये, और ये भी च पूरा देव, इसके ऊपर ज्यों का त्यों लिख दीजिए, निश्चल। ठीक है, अब इसको जोड़ के लिखिए, अब इसको आप जोड़ के लिखिए, तो ये हो जाएगा नी, ये आधा श हो जाएगा, और ये छ और ल, निश्चल। ठीक है, इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं, दुश्चरित्र लेते हैं, दुशासन लेते हैं, बस मस्त नाम है दुशासन। ठीक है, दुशासन लेते हैं, तो दु प्लस शासन होता है, दु प्लस शासन, शासन। अब नियम में जाइए, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, तो या दू में कोई स्वर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ऐसे दू लिखिए या द लिखिए, और इसको ऊ को बाहर निकाल लीजिए। अब दिखा दू, ठीक है दिख गया, श दिखे यहाँ पे, देखिए च, छ, श, तीनों में इसको एक दिख गया, श दिखे। हाँ, उसके बाद क्या है, कोई स्वर जो है इसको ज्यों का त्यों लिख लीजिए दू को, और इस जो है ना ये विसर्ग, उसको श बना दीजिए, ये श बना दीजिए, हमने इनमें श बना दिया, बाकी का ज्यों का त्यों लिख लीजिए। अब फिर से ज्यों का त्यों लिख लीजिए दू, इस श को पूरा करने के लिए कहीं आपको स्वर दिख रहा है, ये आधा रहेगा ना, कहीं पूरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो उसको आधा लिख लीजिए, बाकी ज्यों का त्यों लिख दीजिए, शासन। ये हो गया दुशासन। ठीक है, ये नियम समझ आया? नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को रिपीट करके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। च, नियम नंबर 4, श हो जाना, विसर्ग का श, मूर्धा श। देखिए 3 श होता है, अभी हमने कौन सा पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है ये तो मूर्धा श है, ये तो अच्छे से याद है, दन श और वंश। ठीक है, वर्ता श, ये आपका मूर्धा श है, ये आपका मूर्धा श है। यदि विसर्ग के पहले ई ऊ, ई ऊ हो, तो बाद में क, ख, ट, ठ, ट, फ, याद करना पड़ेगा आपको, क, ख, ट, ठ, प, फ, अरे याद करने की जरूरत नहीं है, सामने वाले का ही दो बार लिखा गया है, क, ख, ट, ठ, प, फ, बस क, ख, ट, ठ, प, फ, क, ख, ट, ठ, प, फ हो, तो विसर्ग का मूर्धा श हो जाता है, मूर्धा श हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं, मूर्धा श, इसमें कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा। पहले एग्जांपल पहले सुनिए, पहले हो जाएगा आपके शब्द में पहले ई ऊ हो, उसके बाद विसर्ग होगा, फिर प्लस होगा, फिर क, ख, ट, ठ, प, फ हो, तो इस विसर्ग का श हो जाएगा, बाकी जो है इसका ज्यों का त्यों लिख देंगे, बाकी इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, फिर समझ आ जाएगा इसे।
ठीक है। इसमें बोलते हैं निष्कपट होता है ना, तो नि प्लस कपट होता है, नि प्लस कपट, ठीक है। नियम में जाए यदि विसर्ग के पहले ई ऊ हो, तो अभी आपको ई दिख रहा है, दिख गया तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से दिखा देते हैं न प्लस ई। अब दिख गया ई, अब ई दिख गया ना, अब ई दिख गया तो ई ई दिख ही गया, उसके बाद क ख ट फ, तो क का दिख गया, ठीक है। तो इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए नी। अब इस व्यंजन को श में बदल दीजिए, ऐसा आधा श रहेगा, और ये कपट। अब जोड़ के लिखिए, क्या इस स को पूरा करने के लिए कहीं आपको स्वर दिख रहा है, इसके अगल बगल नहीं दिख रहा है, इस साइड दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है ना, तो इसको आधा लिखना है। अब आधा कैसे लिखेंगे, निष्कपट, ऐसा निष्कपट, ठीक है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेना है इसमें, ले लेते हैं निष्ठुर। एक होता है निष्ठुर, निष्ठुर चोला के, अरे तुम बड़का हो जाओ भाई, काहे ले छोटा हो गए, निष्ठुर चोला के। अब देखते हैं निष्ठुर, नी प्लस ठुर, यह होगा आपका ठुर, डूर लिखा गया, डूर तेरी की, ठुर निष्ठुर, ठीक है। अब देखिए ये ई तो दिख गया यहाँ पे, ठ यहाँ पे आ गया, तो ये हो जाएगा आपका नी प्लस, ये श्राद्ध लिख लीजिए, श्रा प्लस ठुर। अब इसको लिख दीजिए आप निष्ठुर, ये आधा सा हो जाएगा निस, ये ठुर हो जाएगा निष्ठुर, ठीक है। तो ये रहा हमारा विसर्ग व्यंजन के अंतर्गत, सॉरी विसर्ग संधि के अंतर्गत स वाला नियम। इसमें एक और श का नियम बचा है, उसको भी देख लेते हैं। ये होता है आपका दंत श, बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपका है दंत श, पहले पढ़ा थे वो मूर्धा श था, ये दंत श है। चलिए इसमें नियम क्या कहता है, विसर्ग का स हो जाता है जब यदि विसर्ग पहले कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, बाद में त थ स हो, बाद में त थ स हो, तो वो हो जाता है। तो कोई स्वर का स्वर सेम लिखाएगा, त थ स सेम लिखाएगा, इस विसर्ग को हम श के रूप में बदल देंगे। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल होता है आपका नमः दंते। आप हमेशा नमस्ते करते हैं ना साहब लोग को, तो देखिए नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते। फिर नियम में जाए यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर, कोई भी स्वर हो सकता है, म है, अब म में आपको कोई स्वर दिख रहा है, आप ये नहीं बोलेंगे कि व्यंजन है, व्यंजन तो है ही, साथ में स्वर भी है, तो माँ को खोलेंगे तो म प्लस अ इस प्रकार है, और हमने कोई स्वर लिखा है, तो कोई स्वर आ गया, ठीक है, आ गया। अब उसके बाद त थ स, तो त तो आ ही गया, ते है तो त तो आ गया, ठीक है। अब इसको भी बोलेगा कि ते है, तो त कहाँ से आया, तो देखिए ये भी किए, ते है तो त प्लस ए आ गया, ए है ना, आ गया ए, तो देखिए तो ये तो ज्यों का त्यों हो जाएगा नमः। ये विसर्ग को हम चेंज करेंगे स में, ये विसर्ग है इसको हम चेंज कर देंगे स में प्लस ते। अब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा नम आधा सा प्लस ते, ये सा आधा है ना, इसलिए आधा लिखा गया, पूरा नहीं है, नमस्ते, ये हो गया आंसर। दूसरा एक और देख लेते हैं, इसमें मना धन ताप, मना धन या फिर निस्ताप है, मना ताप है, निस्ताप बोल देखते हैं, निधन ताप, नि प्लस ताप, नी प्लस संताप है, निस्ताप है ना, नी प्लस संताप है, तो ये हो गया नी प्लस संताप, संताप, ठीक है। इस नी को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, इस विसर्ग को हम बदल देंगे आधे समय, ये आधे समय हमने बदल दिया, ये संताप है, ये हो गया आपका संताप, ठीक है। अब ये हो जाएगा निसंताप, ये आधा है ना, तो इसके लिए कोई स्वर नहीं है, तो इसको नी प्लस लिखिए, सॉरी नी लिखिए, ये आधा सा लिखिए, ये संताप, ठीक है। इस सा का नियम भी समझ में आ गया। अब एक और लास्ट नियम है जिसमें विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है, वो देखते हैं नियम, देखते हैं क्या लिखा है नियम में, विसर्ग का लोप हो जाना। अब कब लोप हो जाना, लोप मतलब खत्म हो जाना, मिट जाना, हट जाना, ठीक है। विसर्ग का लोप हो जाना यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, कोई स्वर हो या बाद में र हो, ठीक है, कोई स्वर हो या बाद में र हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, या विसर्ग के पहले कोई लघु स्वर हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर, इसका एक छोटा छोटा उदाहरण देख लेते हैं।
बाकी आपको नियम कैसे लगाना है तो पता चल गया होगा। नीरस, नी प्लस रस, नी प्लस रस, ठीक है, कोई स्वर हो गया, अब इसका लोप हो जाएगा और बाद में र जुड़ जाता है, बाद में र जुड़ जाता है, यदि बाद में अगर र हो, सॉरी बाद में अगर र हो तो ल का लोप हो जाता है, तब क्या हो जाएगा, और ये जो स्वर है ना वो दीर्घ हो जाएगा। चलिए नियम से ही देख लेते हैं, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, कोई स्वर है ई में, उसके बाद र हो, र है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग उसमें नहीं रहेगा, विसर्ग को पूरा काट दिया जाएगा, और ये जो छोटा है ना, ये जो छोटा निरोग हो जाएगा, निरस, ठीक है, ये जो छोटा स्वर दिख रहा है, छोटा नहीं वो बड़ा ही होगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा, तो कैसा होगा ये हो जाएगा नी प्लस रस, तो ये हो जाएगा आपका नीरस, इस प्रकार ये हो जाएगा नीरस। एक और उदाहरण लेते हैं इसी में, नी प्लस रोग, नी प्लस रोग, नियम में जाए, यदि विसर्ग पहले कोई स्वर हो, बिल्कुल स्वर है, बाद में रह है, बिल्कुल है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग यहाँ पे हट जाएगा, कोई काम नहीं रहेगा विसर्ग का, और इस जो छोटा ही है ना उसका बड़ा ही हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा, रह ज्यों का त्यों रहेगा, तो ये हो जाएगा नी और ये हो जाएगा रोग। चलिए ये हो गया, एक लास्ट देखते हैं आज का, लास्ट ये है विसर्ग का सातवां नियम, इसमें विसर्ग का स हो जाना रहता है पुनः और पूरा, विसर्ग का स हो जाना, नमः और पूर्व में विसर्ग का मेल का या प से हो तो विसर्ग का स हो जाता है, ठीक है, यदि स हो जाता है विसर्ग का, लेकिन देखिए हमने स पहले भी देखा और ये स थोड़ा अलग टाइप का है, वह स वही है, नियम अलग है, तो नमः प्लस पूर्व में विसर्ग का मेल क या प से हो तो विसर्ग का स हो जाता है। चलिए एक उदाहरण लेंगे तो समझ में आ जाएगा, नमः धनकार, ये नमः प्लस कार, ठीक है, अब इसमें हमने क्या क्या है कहा है, नमः या पूर्व में, तो ये नमः है, पूर्व में इसका मेल क या प से हो तो ये क है, प है, ये क है, तो विसर्ग का स हो जाता है, तो ठीक है लिख लेते हैं नमः प्लस स प्लस कार। अब देखते हैं मिला के इसको, नमः आधा स और एक कार, ठीक है, ये हो गया नमस्कार, ठीक है, नमः प्लस स बन कार, ये हो गया नमस्कार, ठीक है। एक और उदाहरण इसी में लेते हैं, आप पूरा से ले लेते हैं, पुरस्कार भी होता है ना, पूरा से ले लेते हैं, तो पूरा प्लस कार, ठीक है, तो ये हो जाएगा पुर और ये हो जाएगा आधा स और ये हो जाएगा कार, कार, ठीक है, तो ये हो जाएगा पुरस्कार, पुरस आधा स और ये कार, ठीक है, ये होता है संधि का आपका नियम। तो हमने लगभग आज पूरे संधि ख़त्म कर लिए हैं, इसके बाद एक संधि पहचानने की ट्रिक बची है, बस उसे बताना है, देख लूँ अगर टाइम आज ज़्यादा नहीं हुआ होगा तो वो भी बता दूंगा, आज नहीं हुआ है, आज टाइम है, मैं संधि पहचानने की ट्रिक आपको बता देता हूँ, ठीक है, संधि पहचानने की ट्रिक क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। चलिए इसको स्लाइड करें, नेक्स्ट ये लास्ट पेज है तो मैं इसी में आपको बता देता हूँ बड़ा करके ऐसे, ठीक है, चलिए देखते हैं अब संधि का कैसे पहचानते हैं उसको। सबसे पहले आपको देखना है दीर्घ स्वर संधि, है ना, स्वर संधि पढ़ाना है, दीर्घ स्वर संधि आपको देखना है, ठीक है, तो हम यहाँ स्वर संधि की पहचान को देखते हैं, बाकी स्वर संधि की पहचान आपको देखना है, बाकी तो देखना नहीं है, तो देखिए स्वर संधि की पहचान क्या है, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ताकि इसको आप इसके बाद आपको वो भी बताना है कि किस प्रकार विसर्ग संधि विच्छेद किया जाता है, तो पहचान और विच्छेद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।